नरेंद्र मोदी को बिहार के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर दिया वोट। उनकी जाति का बिहार में एक भी आदमी नहीं रहता, फिर भी चुनाव जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर, पटना। बिहार से नसीम रब्बानी के साथ सुधीर मालाकार की रिपोर्ट। पटना। बिहार के लोगों को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को ये दिख रहा है कि अभी उनके सामने जो नेता खड़े हैं दोनों ही चोर हैं। ऐसे में पब्लिक ये सोच रही है कि चलिए दोनों ही जब चोर हैं तो अपनी जाति वाले को ही वोट दे देते हैं, लेकिन अगर जनता को कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता बेवकूफ नहीं है, उसको जरूर वोट देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के लोगों ने खूब वोट दिया है ना? उनकी जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं रहते हैं। दोनों नेता जो खड़ा है दोनों चोरे दिख रहा है, तो पब्लिक कहती है चलिए दोनों तो चोरे हैं तो अपना जाते वाले चोर को दे देते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ईमानदार दिखेगा, अगर दोनों में कोई एक ईमानदार दिखेगा तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, अगर कोई ईमानदार दिखेगा तो जनता उसको वोट देगी। नरेंद्र मोदी को वोट लोगों ने दिया है ना बिहार में? नरेंद्र मोदी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? एक भी नहीं। लेकिन लोगों ने ऐसा समझा कि मोदी जी को वोट देंगे तो हमारा विकास होगा, तो लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया उनको। अब उन्होंने काम नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन लोग तो जाति से ऊपर उठकर वोट दिए ही है ना भाई। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मान लीजिए इसमें 100 आदमी अगर है, 100 में 40-50 आदमी तो मोदी जी को वोट दिया होगा भाजपा को, वो 40-50 आदमी मोदी जी के जाति का तो नहीं है। सिर्फ जाति की बात नहीं है, मैंने क्या बताया, जब दोनों लोग चोर दिखते हैं, दोनों गलत दिख रहे हैं, दोनों एक तरह के दिखते हैं, तब आदमी ये कहता है चलिए दोनों तो एक के जैसा है, अपना जात वाले को दो कम से कम। अगर एक आदमी अच्छा दिखेगा तो बिहार की जनता में वो समझ है, वो ताकत है, लोग आगे बढ़ेंगे, उसका सही चुनाव करेंगे। हर आदमी परेशान है। हम अभी 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, तो कितना लोग कह रहा है भैया अपना घर परिवार छोड़कर ही 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, लेकिन यहां पर बैठे हुए जितने लोग हैं इनके परिवार के बच्चे तो 10-10, 15-15 बरिश से घर छोड़कर बाहर ही रह रहे हैं। कभी छठ में कोई शादी ब्याह घरे पड़ा तो 10 दिन 15 दिन के लिए आया, तो हमने 15 महीने से अपना घर छोड़ा है, तो आप हमको समझ रहे हैं कि हम बहुत महान आदमी हैं, साधु महात्मा हैं? आपका बच्चा 15-15 साल से बाहर रह रहा है। एक बार बच्चा यहां 20 वर्ष का हो गया, वो झोला लेकर चला गया मजदूरी करने, जब तक उसके शरीर में ताकत है उसको बाहर मजदूरी ही करना है।